उन्हीं का नाम भीष्म पितामह पड़ा था, उन्हीं का नाम था भीष्म। सत्यवती मैया जब विधवा हो गई थी, ध्यान रखना चित्रांगद और विचित्रवीर ये दो पुत्र हुए थे। अरे बालों को कैमरा भाई हम तुम्हें ही देख पाऊंगे और जो पीछे बारे तुम्हें ही देख पाऊंगे। अबे साइड पे लगाओगे तो उतने हाँ और तुम खड़े हो जो कैमरा उतार खड़े हैं जो बिजे ही देख पाऊंगे। हाँ हाँ चलो। तो उस समय जब वंश यहां आकर के रुक गया था, श्रोता बंधु आज भी तुम विचार करना, जब वंश नहीं चलता है तो जो घर में सबसे ज्यादा मुखिया होता है पुरखा, उसे बेचैनी होती है। तो सत्यवती जब बेचैन हुई कि ये दोनों रानी घर में विधवा बैठी है, वंश का नाम कैसे चलेगा, तो उन्होंने भीष्म को बुलाया है। भीष्म को बुलाया और तब कही कि अगर तुम इनका संग निभा दो तो वंश आगे चल जाएगा। ध्यान रखना क्या कहा था गंगा पुत्र भीष्म ने कि मैया तुम एक बात नहीं जानती, पहले तो मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं जीवन भर नारी का संग नहीं निभाऊंगा, यह मेरा प्रण है। और दूसरी बात मैया तुम रामायण का पाठ सुनती थी और मैं रामायण तुम्हें सुनाता था, तो तुमने रामायण में यह नहीं सुना कि जिस समय भगवान श्री राम ने और बाली को मारा है और बाली के जब बाण लगाए, जब बाली धरती पर गिर गया था तो भगवान राम के लिए बाली ने क्या कहा है और उस समय भगवान राम ने क्या कहा है? कैसे चितक चितई चरण चित दीना कैसी चली है। अरे कदम अब है रो या ना
पोता मिट्टी लगाई है और जिसमें प्यासी के सामने आई है तो महात्मा बोले मैया बात जाऊ नहीं मानी तो उसके तो बेटा नेत्रहीन होगा और इसके अरे पंड रोग को लला जनेरी और मैया बात समझ में नहीं आई देख इनके कोई संतान नहीं है तो वेद व्यास महात्मा की कृपा से इनके बेटा पैदा हुआ। दासी बोली मैया बालक तो मुंह पहना तो जैसे जे गई तू चली जा। अब दासी ने वस्त्रहीन काया तो की लेकिन मन में शंका कि के तो जे महात्मा पागल है गए और के जे सत्यवती मैया पागल है संतान ऐसे है जाने पर दूसरी बात मन में सोची जो इनकू हो सोई मोकू हो बस नहीं काया करके गई लेकिन मुंह से बात कहती हुई निकल कर महात्मा बोले मैया संतान इसके भी रहेगी लेकिन इसका मुंह बंद नहीं रहा बात करती हुई चली गई है तो बेटा इसके ऐसा पैदा होगा कि पूरे जीवन मुंह बंद रहेगा नहीं और कोई बात को मानेगा। संतान जब जन्मी बड़ी रानी के जो पुत्र पैदा हुए वो ही थे धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। छोटी रानी के जो पुत्र पैदा हुए वो ही महाराज पांडु थे पीले रंग की काया थी पांडु रोग से ग्रस्त थे। दासी के जो पुत्र पैदा हुए वो ही महात्मा विदुर थे। श्रोता बंधु धृतराष्ट्र महाराज का विवाह काबुल से हुआ था गांधारी नाम था सुबल महाराज की लड़की थी सुबल महाराज की शादी कहां थे भाई यज्ञपति महाराज विचार करो काबुल से अफगानिस्तान में पड़ता है। और अगर आज काऊ के बालक के ब्यावाय कोई हीरो आ जावे इलाहाबाद ते तो का कहेंगे भौजी माल में भैया हमारे तो दूध ना करेंगे हमारा तो वैसे ये कोई यही थे देखेंगे कहूं मेरे पास थे हैं। लेकिन वो कैसे थे भारत के वीर ससुरार भाई तो काबुल अफगानिस्तान। जीवन में एक बात ध्यान रखना चंदा न बदला न सूरज बदला न बदला जमीन आसमान जितना बदल गया है इंसान बदलाव हुआ तो हम पे तुम पे ही बस। तो इसलिए हमारे विद्वानों ने लिखा है कि विज्ञान पहले ज्यादा अच्छा था आज उतना नहीं है। पहले के राजा महाराजा कैसे थे और उसका बदलाव आज कैसा था कैसे बिन विद्या भारत देश कमी आई तो शिक्षा की बदौलत। तो जीवन में एक बात को ध्यान रखना कि बच्चों को चाहे भले ही गरीबी कितनी भी रहे कपड़ा भले ही फटे पहन लेना लेकिन बच्चे को शिक्षा अच्छी दिलवाना पढ़ा लिखा अच्छा होना चाहिए वो दुनिया में कहीं भी पैदा करके खा सकता है अगर शिक्षित है तो। और जब चीज पे अबू सबसे ज्यादा अगर पीछे चल रहे हैं तो जो हमारी बिरादरी सबसे पीछे अहिरे ही कम ध्यान देता है पढ़ाई पे का कहते मालूम है चिबलर ना कहूं कलेक्टर ना है तुम्हें कैसे मालूम है कि कलेक्टर ना है। तो जीवन में बच्चे की शिक्षा में कभी रोक मत लगाना और वही हुआ है शिक्षा की बदौलत। क्या बिन विद्या भारत देश अरे देश तेरी भाई ख्वारी बिन विद्या भारत देश तेरी भाई ख्वारी भाई ख्वारी बिन विद्या भारत देश अर्जुन तो अमरीका भी आए
पति का ब्याह है पंड ब्याह ईरान कहां कहां तक ससुरारी अरविंद तो यमरी का ब्याह है पंड ब्याह ईरान अरे अरजन तो यमरी का ब्याह है पंड ब्याह ईरान सूरसेन महाराज